इतनी रात तक किसी का इंतजार करने में इतनी खुशी मिली। हाँ, वहां जाकर दाढ़ी रखने की सोच रहा हूं ताकि लोग मुझे और सीख। आज दुनिया भर में 85% लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल एक ऐसा माध्यम है जिसने कंप्यूटर, कैलकुलेटर, वॉच, फोन, डायरी, कैमरा जैसे कई महत्व की वस्तुओं की कमी को भर दिया है। और आए दिन मोबाइल कंपनियों की कंपटीशन बढ़ती जा रही है। हर कंपनी को यह लगता है कि हम बेहतरीन सुविधाएं दे दें, पर जितनी भी सुविधाएं कंपनी आपको दे उसके इस्तेमाल के लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या होगा कि आपके मोबाइल की बैटरी। और ये बैटरी और बैटरी अच्छी रखनी हो तो आपको अपना मोबाइल चार्जर संभाल के रखना होगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा चार्जर खराब हो जाता है तो हम दूसरों का चार्जर लेते हैं या फिर दूसरों को हमारा चार्जर देते हैं। मैं आज इस वीडियो में यही आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपना चार्जर दूसरों को क्यों ना दें और दूसरे का चार्जर अपने मोबाइल को क्यों ना लगाएं और ऐसा करना क्यों गलत है। मोबाइल का जो चार्जर रहता है दोस्तों, लिथियम आयन एक धातु है, उसका इस्तेमाल उस चार्जर के अंदर होता है। चार्जर को बार बार इस्तेमाल करने के बाद ये जीत जाता है, यानी कि ये गल जाता है, खराब हो जाता है। इसके लिए दोस्तों, हमारा मोबाइल जिस कंपनी का है उसी कंपनी का चार्जर आप इस्तेमाल करोगे तो अपना मोबाइल अच्छा रहेगा, ताकि ज़्यादा समय तक आप अपने मोबाइल को अच्छे रख सकें और नए नए फीचर्स को, मोबाइल के नए नए एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए आपको मोबाइल की बैटरी आपकी अच्छी रखनी पड़ेगी। ऐसा अगर नहीं होगा तो आपकी बैटरी खराब हो जाएगी और आपका मोबाइल भी खराब हो सकता है। अभी आप कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना।